विदिशा जिले के गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र के त्योदा में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत गंज बासुदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार निशंक जैन ने त्योदा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश कटारे एवं वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में संपन्न हुआ विधानसभा के उम्मीदवार निशंक जैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मुझ पर विश्वास करके एक बार फिर जनता के बीच में मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कहीं मेरे से कोई और कसर बाकी रह गई थी, इसलिए मैं चुनाव हार गया था। चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार 5 साल जनता जनार्दन के बीच में रहा। मैं घर नहीं बैठा, हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ खड़ा रहा, पर जो पहले गलती हुई थी वह अब ना हो। मैं पुनः आपके बीच में एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आया हूं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, हर कार्यकर्ता को हर बूथ पर लड़ना होगा, मतदाता के घर घर जाना होगा, समझना होगा, वचन पत्र का एक एक शब्द बताना होगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का और पूरे कांग्रेस परिवार के साथियों द्वारा जो 5 साल लगातार मेहनत की गई उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। पूरे कार्यकर्ता साथियों की मदद से, क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हम सब मिलजुल कर यह सीट कमलनाथ जी के खाते में डालेंगे और मध्य प्रदेश की विधानसभा में गंज बासुदा की आवाज एक मजबूती से रहेगी, यही बात मैं कहना चाहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।